पॉलिटिकल साइंस की सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था फ्रांस का संविधान। तो फ्रांस के संविधान में हमने फ्रांस के संविधान की इंट्रोडक्शन पढ़ ली थी। आज हम अभी करेंगे फ्रांस के जो संसद है, पार्लियामेंट, फ्रांस की संसद। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि फ्रांस में भी, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, फ्रांस में भी दो सदनीय व्यवस्थापिका है। दो सदनीय व्यवस्थापिका का ही वर्णन किया गया है। पहला जो अंग है व्यवस्थापिका का वो है नेशनल असेंबली और दूसरा सीनेट। तो देखिए, इसका वर्णन अनुच्छेद 24 में किया गया है। अनुच्छेद 24 ये बताता है कि फ्रांस में एक संसद होगी जिसके दो सदन होंगे, नेशनल असेंबली और सीनेट। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम आज अभी राष्ट्रीय सभा के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल असेंबली के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रांस का जो राष्ट्रीय सभा है वह एक निम्न सदन है और यह लोकप्रिय सदन है। जैसे कि हमने ब्रिटेन में भी पढ़ा था हाउस ऑफ कॉमन, वह निम्न सदन था। ऐसे ही हमने अमेरिका में पढ़ा था कि अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, वैसे ही फ्रांस में नेशनल असेंबली लोकप्रिय और निम्न सदन है। देखिए स्टूडेंट्स, चाइना में तो एनपीसी, नेशनल पीपल कांग्रेस, एक ही सदन था। और स्विट्जरलैंड में भी हमने पढ़ लिया कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट दो सदन थे। इस प्रकार अब हमारा ये पांचवा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है जिसमें राष्ट्रीय सभा एक सदन है जो निम्न सदन या लोकप्रिय सदन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो इनके सदस्यों का चुनाव है वो जनता द्वारा होता है और प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो संसद के सदस्य होते हैं वह डिपुटी कहलाते हैं। चाइना में भी हमने पढ़ा था कि संसद के सदस्य को डिपुटी ही कहते थे, डिप्टी या डिपुटी कहते थे। वैसे ही फ्रांस में भी संसद के सदस्यों को डिपुटी कहलाते हैं। और अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ पे कांग्रेसमैन कहलाते थे और ब्रिटेन में सांसद कहलाते थे, पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे जो ये डिपुटी है इसे हिंदी में जनप्रतिनिधि कहते हैं और ये इनकी सदस्य संख्या 577 है। इनका जो निर्वाचन है वो एक सदनीय है, एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। एक सदस्यीय का अर्थ है यदि ये पूरा फ्रांस है और इसके छोटे छोटे परिसीमन कर दिया जाता है तो एक अंग, एक क्षेत्र में से एक सदस्य, एक क्षेत्र में से एक सदस्य को ही चुना जाता है। इसे कहते हैं एक सदस्य, यानी एक एक क्षेत्र से एक सदस्य का चुनाव करना एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। और द्वितीय मतपत्र योजना, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक मतपत्र यदि फेल हो जाता है, पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो द्वितीय मत द्वारा वहाँ पे चुनाव होता है। इसके बाद में आता है कि यहाँ के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना है। कार्यकाल 5 वर्ष का है और इनका जो चुनाव होता है वो वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष बाद में जो फ्रांस के नागरिक 18 वर्ष के हो चुके हैं, वह 18 वर्ष यहाँ पे वयस्क मताधिकार की आयु है, उन प्रत्येक 18 वर्ष के व्यक्तियों को मत देने का अधिकार है। तो वयस्क वो हैं जो 18 वर्ष के हैं और प्रत्येक 18 वर्ष के व्यक्ति मत का अधिकार रखते हैं। यहाँ से देखिए, हमने देखा है कि राष्ट्रीय सभा एक अस्थाई सदन है, वह 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, लेकिन इससे पूर्व भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से पूछकर उनके परामर्श से नेशनल असेंबली को भंग कर सकता है। इसके बाद में आता है इसकी कार्यविधि। कार्यविधि में हम देखेंगे कि जो राष्ट्रीय सभा है उसकी कार्यविधि वर्ष में 2 अधिवेशन के दौरान होती है। यहाँ वर्ष में 2 अधिवेशन होते हैं। पहला जो अधिवेशन है, प्रथम अधिवेशन 2 अक्टूबर को होता है और जो द्वितीय अधिवेशन है वो 2 अप्रैल को होता है।
तो एक बात तुम्हें ध्यान रखनी है कि दो नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए राष्ट्रीय सभा क्या है, तो ये सात नंबर का प्रश्न पूछा गया तो पूरी के पूरी बात तुम्हें बतानी है। इसके अलावा यदि पूछा जाए राष्ट्रीय सभा की कार्यविधि बताओ, तो तुम बताओगे राष्ट्रीय सभा वर्ष में दो बार अपना अधिवेशन करती है, एक तो 2 अक्टूबर को करती है और एक 2 अप्रैल को करती है। इसके अलावा भी राष्ट्रपति अधिवेशन बुला सकता है और इसके अलावा भी एक गुप्त अधिवेशन होता है। गुप्त अधिवेशन जो है वह पीएम या सदन के 1/10 सदस्य यानी 10वां हिस्सा यदि आग्रह करता है तो भी गुप्त अधिवेशन हो सकते हैं, यानी राष्ट्रपति भी अधिवेशन बुला सकता है और प्रधानमंत्री या सदन के 1/10 सदस्यों के आग्रह से भी गुप्त अधिवेशन हो सकता है। इसके अलावा आता है कि सदस्यों के विशेषाधिकार क्या है। देखिए सदस्यों को बहुत सारे अधिकार मिले हुए होते हैं, जैसे कि सदन में भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता है, अधिवेशन के दौरान सदस्यों को न तो बंदी बनाया जा सकता है, न सदस्यों पर अभियोग लगाया जा सकता है और न ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। ये सारे के सारे सदन के सदस्यों को या डिप्यूटी को विशेषाधिकार प्रदान किए गए होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया चुनाव, यहाँ पे निम्न सदन रचना, तो यहाँ पे है निम्न सदन कहलाता है। ऐसे कि ऐसे यदि हम बात करते हैं संसद के दूसरे सदन यानी कि सीनेट की, तो सीनेट में हम देखेंगे यहाँ पे जैसे ये निम्न सदन है तो सीनेट उच्च सदन है, ये अस्थाई सदन है तो सीनेट स्थाई सदन है। यहाँ पे इसके सदस्य के संख्या 577 है तो यहाँ पे सीनेट के सदस्यों की संख्या परिवर्तित होती रहती है लेकिन 230 से अबव है। यहाँ पे देखिए जो सदस्यों का कार्यकाल है वो 5 वर्ष है, लेकिन यहाँ पे सदस्यों का कार्यकाल, यह एक स्थायी सदन है इसलिए सदस्यों का निर्वाचन 9 वर्ष के लिए किया जाता था, लेकिन वर्तमान में परिवर्तन हो चुका है। देखिए यहाँ पे सदस्यों का निर्वाचन 9 वर्ष के लिए, 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, लेकिन अब क्या है, अब यहाँ पे फ्रांस में ऐसी व्यवस्था है कि 6 वर्ष के लिए, यहाँ पे 6 वर्ष के लिए सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है और प्रतिवर्ष 3 वर्ष बाद में आधे सदस्य यानी 50% सदस्य अवकाश ले लेते हैं। यहाँ पे तुम देखोगे कि पहले 9 वर्ष के लिए सदस्यों का चुनाव किया जाता था, 9 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष बाद में बदले जाते थे, सेवानिवृत्त तो हो जाते थे, लेकिन वर्तमान में ऐसी व्यवस्था है कि प्रत्येक 3 वर्ष बाद में आधे सदस्य अवकाश ले लेते हैं और प्रत्येक सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। इसके बाद में आयु, यहाँ पे न्यूनतम आयु 35 वर्ष की है। यदि कोई व्यक्ति सीनेटर बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष की होनी अनिवार्य है, तो यहाँ 35 वर्ष है। इनका निर्वाचन का जो अनुच्छेद है इसी 24 नंबर के अनुच्छेद में ही लिखा गया है। यहाँ पे प्रत्यक्ष चुनाव होता था, यहाँ अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। यहाँ पे भी एक सभापति होता है, ऐसे ही सीनेट में भी एक सभापति होता है। सभापति प्रत्येक 3 वर्ष बाद में नया चुना जाता है, उन्हें चुनने का अधिकार यहाँ के सदस्यों को ही होता है। देखिए यहाँ के जो सदस्य हैं वो अपने में से एक सभापति का चुनाव करते हैं, उनका निर्वाचन करते हैं, 3 वर्ष बाद में सभापति बदली हो जाता है, सदस्य अपने में से ही 3 वर्ष बाद में चुनाव सभापति का करते हैं। और जो सभापति के अधिकार हैं, यहाँ पे ये सभापति के अधिकार हैं, ये सभापति के अधिकार अनुच्छेद 7 में दिया गया है
और अनुच्छेद 7 में ये बताया गया है कि सीनेट का सभापतिव सीनेट का सभापति करेगा और राष्ट्रीय सभा या नेशनल असेंबली का सभापतित्व इसका सभापति करेगा और सभापति को राष्ट्रीय सभा को भंग करने का भी अधिकार है। देखिए वैसे तो राष्ट्रीय सभा को भंग करने का जो अधिकार होता है वह अधिकार राष्ट्रपति का होता है, लेकिन राष्ट्रपति दोनों सदनों के सभापति से परामर्श करके कि राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकता है। तो इस प्रकार सभापति को भी विशेषाधिकार होते हैं, यहाँ पे डिप्टी के भी विशेषाधिकार होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था फ्रांस की संसद अनुच्छेद 24, फ्रांस की संसद में दो सदन हैं, राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली और सीनेट। तो हमने आज फ्रांस की संसद के बारे में पढ़ लिया है। फ्रांस एक बहुत ही छोटा सा संविधान लिए हुए है, इसलिए ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ब्रिटेन के संविधान में हमें बहुत समय लगा था क्योंकि ब्रिटेन का संविधान जो है बहुत ही पुराना, परंपराओं से चला आ रहा है, इस वजह से उसमें समय लगा था। आज फ्रांस की संसद कंप्लीट हो गई है, इसको तुम अच्छे से नोट्स बनाकर अपना रिवाइज़ करना।